खाई भाकरी? हाँ देती हूँ, ये ले। दो महीनों में कई सारे लोगों के पैसे दोगुने हुए, अब ये हम पे है कि हम इस मौके को जाने देते या इसका लाभ उठाते हैं। आज तक किसी भी जगह इतने मूर्ख लोग नहीं मिले, इतनी आसानी से इस जाल में फंस जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। आप सबने मेहनत की, पसीना बहाया, कुछ पैसे कमाए, अब समय आ गया है उन पैसों से और पैसे कमाने का, अपनी मेहनत की कमाई को दोगुना करने का, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो बताइए कौन कौन करेगा निवेश? बहुत अच्छे गोविंदा, तुम इस बही खाते में सबके नाम के साथ उनकी जमा राशि लिखो। सुनिए साहब, मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं, क्या मैं भी जमा कर सकता हूँ? अगर आप 2 के 4 करना चाहते हैं तो क्यों नहीं। मैं शिरडी के हर निवासी को दोगुना अमीर बनाऊंगा। आप सब कतार में आइए और एक एक करके पैसा जमा कीजिए। ये लीजिए। आपका नाम? बीमा। बीमा 40 रुपए। बिना मेहनत के कमाया धन दुखों का साधन बनता है।
माफ करना विठोबा, आज भोग चढ़ाने में देर हो गई, घर में काजू खत्म हो गए थे, बिना उनके मैं आपका भोग कैसे बनाती? बहनी, काजू खत्म हो गए थे तो क्या हुआ, बादाम तो थे ना, तो आपने उससे क्यों नहीं भोग बनाया? गोमती, बचपन से हमारे घर में विठोबा जी के प्रसाद में काजू ही डाला जाता है। विठोबा ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत सुख अच्छा परिवार, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, इतना तो मैं विठोबा के लिए कर ही सकती हूँ। खैर, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी अभी ऐसे बड़े घर में आई हो, मेरी तरह तुम्हारा बचपन रईसी में नहीं बीता। खैर, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। गोमती, जरा देखती रहना तो साई आ रहे हैं कि नहीं। साई आएंगे तो आवाज देंगे, लेकिन आज सुबह से आप साई का इंतजार क्यों कर रही हैं? आज मुझे साई से बहुत जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम? इतने सालों से मैं बिठुआ की पूजा कर रही हूँ, मेरी एक इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई। कौन सी इच्छा? बिठुआ को देखने की। बचपन से मेरी इच्छा है कि मैं बिठुआ के दर्शन करूं, इसलिए आज मैं साई से कहने वाली हूँ कि वो मुझे बिठुआ के दर्शन कराए। वहिनी, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें विठोबा जी के दर्शन कौन करा सकता है? साई, साई सब कुछ कर सकते हैं। मैंने सुना है साई अपने भक्तों को ईश्वर के दर्शन कराते हैं, तो वो मुझे विठोबा के दर्शन क्यों नहीं करा सकते? करवाए होंगे, लेकिन दर्शन तो ईश्वर अपनी इच्छा से देते हैं ना, ऐसे किसी के बोलने पे नहीं। और साई भी सिर्फ ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी इच्छा है। साई मुझे मना कर ही नहीं सकते, आखिर इतने सालों से भिक्षा जो देती आई हूँ, एक मुट्ठी दाल चावल मिलता है पर मैं उन्हें मेवे महंगे फल मिठाइयाँ और पकवान देती हूँ जो उन्हें और किसी घर से नहीं मिलता। सालों की भिक्षा का ऋण है उनपे, उन्हें आज वो ऋण चुकाना ही होगा और उन्हें मुझे विठोबा के दर्शन कराने ही होंगे। भिक्षाम देही। गोमती, देखो साई आ गए। विठोबा के दर्शन? हाँ साई, मैं आपको बहुत अच्छी भिक्षा दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे विठोबा के दर्शन करवाइए। लेकिन मैं आपको विठोबा के दर्शन कैसे करवा सकता हूँ? आपने पहले ऐसा किया है साई, कई लोगों को आपने ईश्वर के दर्शन करवाए हैं। मैंने आज तक आपको जितनी भी भिक्षा दी है उसके बदले आपको ये मेरे लिए करना ही होगा। ठीक है, मैं विठोबा से विनती करूंगा कि वो आपको दर्शन दें, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं कुछ घरों से भिक्षा मांग कर आता हूँ, फिर आप मुझे भिक्षा देना और विठोबा के दर्शन करना। ठीक है साई, आप भिक्षा लेकर आइए, तब तक मैं आपके लिए विशेष भिक्षा बनाती हूँ अपने हाथों से। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए।
तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भिक्षाम देही। ये देखिए साईं, मैंने आपके लिए मेवों से भरी खीर बनाई है। अब आप जल्दी से भिक्षा लीजिए और मुझे विठोबा के दर्शन करवा दीजिए। ठीक है, आप भिक्षा इस पात्र में डाल दीजिए। तो क्या हुआ, अब खीर इसमें डाल दीजिए, मैं खा लूंगा। साई इसमें मिट्टी है, देखिए ना। तो क्या फर्क पड़ता है साई, ये खीर मैंने कितनी मेहनत से बनाई है, कितनी स्वादिष्ट है ये खीर, कितने महंगे महंगे मेवे डाले हैं इसमें। इस खीर को मैं इस मिट्टी भरे कटोरे में कैसे डाल दूं? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इस मिट्टी भरे कटोरे में खीर नहीं आ सकती तो जिस अंतकरण में पहले से ही अहंकार भरा हुआ है उस अंतकरण को ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं? यशोदा, अहंकार बिल्कुल इस मिट्टी की तरह है और ये खीर ईश्वर के दर्शन की तरह। जब तक जीवन में अहंकार है ईश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते। मुझे माफ कर दीजिए साई, आपको भिक्षा देकर जो थोड़ा पुण्य कमाया था उसका भी मोल मांगने चली थी मैं, मुझे माफ कर दीजिए। यशोदा, पश्चाताप का एक पुल ही काफी है अहंकार का नाश करने के लिए। आपने जो आंसू अभी बहाए हैं उन आंसुओं ने आपका सारा अहंकार धो दिया है। साईं, अब मैं बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के पूरी भक्ति भाव से आपको ये भिक्षा देना चाहती हूँ, कृपया ये भिक्षा स्वीकार लीजिए। अब आपके जीवन के कटोरे से अहंकार की मिट्टी धुल गई है, दीजिए। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धारा के जैसी राखे जीवन में, राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साईं सिखाए, भीत यही साईं चरण में दे दे चढ़ाए, कुछ नहीं मांगे साई उनके सिवाय। राम जी भला करें।
रंग हरी वासुदेव हरी पांडुरंग हरी वासुदेव हरी पांडुरंग हरी वासुदेव हरी पांडुरंग हरी वासुदेव हरी। ओम साई राम ओम साई राम बस 2 महीने पूरे होने का इंतजार है, फिर तो हम भी अमीर हो जाएंगे। आने वाली अमीरी के सपने ही देखोगी या हल्दी कुमकुम की रस्म भी पूरी करोगी? चिंताई? हाँ, क्या हुआ? आप चुपचाप हैं? नहीं नहीं मायजाक का, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, आप तो उस रंबा को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, फिर उसके घर पे संक्रांति के हल्दी कुमकुम में क्यों जा रहे हो? सासू भाई सुबह से मेरी जान खा रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी जगह तू चली जा, मेरी जगह तू चली जा। और राजा के बाबा ने भी कहा, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार के लिए मान लेते हैं इनकी बात भी। और वैसे भी कई दिनों से हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई है, जब से मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि उस फकीर के लिए वैद्य मैं लाई थी तब से हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं होती, तो इस बात के लिए मना करके क्यों मनमुटाव करना, क्यों? चलो तेजस्वी बहनी, बहनी आइए ना, आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। मैं तो केशव बाबू को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि वो आपको यहाँ पर लेकर आए। सासू भाई की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे आना पड़ा। ताई आप बैठिए ना। नहीं नहीं बैठूंगी तो साड़ी पे सिलवटे आ जाएगी। बनारसी शालू है ना, बाबा ने भेजा है बंबई से। बहुत सुंदर है आ? पता है। और ये कंगन भी खूब जचते हैं ना साड़ी पर। ससुर जी ने बनवाए हैं दिवाली में, माणिक जड़े इस पे। राहता के किसी सुनार से बनवाए थे। राहता से? कौन से सुनार से? कितने के लिए? ये औरतें पहले तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, आज क्या हो गया? अब तुम जान के क्या करोगी? तुम्हारे लिए बहुत महंगे पड़ेंगे ये। ताई, ये महंगे वहंगे तो सब पुरानी बातें हो गई, हम तो 2 महीने में इससे भी अच्छे कंगन बनवा सकेंगे, वो भी आसानी से। क्यों है ना? अब इन 2 महीनों में ऐसा कौन सा खजाना लूटने वाले हो तुम सब? हाँ ताई, खजाना ही है, और सिर्फ मुझे नहीं शिरडी के हर एक निवासियों को मिलेगा। क्यों है ना तेजस्वी? आओ ना, हल्दी कुमकुम की रसम पूरी कर लो। चिंताई, आप इनकी आत्या सास है ना, तो आप ही पहले हल्दी कुमकुम लगा लीजिए। आओ। बैठो।
क्या बोल रही है ये? दो महीने में ऐसा कौन सा खजाना मिलने वाला है जो मेरी बराबरी करनी चाहिए? इनके पतियों ने पैसे निवेश किए हैं। निवेश किए? कहाँ? मधुसूदन दादा है ना, उनके पास। दो महीनों में पैसे दुगने हो जाएंगे? आपने भी किया है क्या? वही तो, ऐसे कैसे दो महीनों में पैसे दुगने हो जाएंगे? ताई, सच में होते हैं, मेरे पति ने खुद देखा है। दूर दूर से लोग आते हैं मधुसूदन भाव के पास और दुगने पैसे लेकर जाते हैं। अब श्रीकांत जी ने निवेश नहीं किए तो क्या हुआ? गोविंदा ने तो किए है ना? करके एक पात्र पूंजी चोरी हो गई है साई, और मुझे लगता है कि मुझे अफसोस है, आपका डर सही है। हाँ, इस योजना के बारे में गोविंदा ने तो समझाया है हमें। इतनी बड़ी बात और मुझ तक नहीं पहुंची। मुझे नहीं पता था कि ऐसी योजनाएं भी होती है जिसमें पैसा दुगना हो जाता है। वैसे श्रीकांत जी ने नहीं किया तो क्या हुआ? गोविंदा ने तो निवेश किया है ना? हाँ, इस योजना के बारे में गोविंदा ने तो समझाया है हमें। वैसे ताई, आपको ऐसी योजना की क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी बहुत अमीर हैं। लेकिन अब हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और ताई, आप जो सामान मंगवाएंगे ना बंबई से, पूना से, तो हमें भी बताना, हम भी सामान वहीं से मंगवाएंगे, है ना? मेरी बराबरी करना चाहती है ये सब। मैं लंदन नहीं जा सकी, बंबई में भी नहीं रह सकी। इस गांव में रहने का एक ही सुख है कि यहाँ मैं सबसे अमीर हूँ। वो सुख भी ये औरतें छीनना चाहती है मेरे बराबर अमीर बनने का सपना देख के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलती हूँ मैं। बहिनी, बांट तो ले लीजिए। हल्दी कुमकुम ले लिया ना? जरूरी काम है मुझे। तुमने तो मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा काम किया गोविंदा। काका, आपने मेरे लिए इतना किया, ये तो मेरा फर्ज था। पता है काका, शिरडी में लगभग 80% लोगों ने पैसे निवेश किए। सपने निवेश किए हैं। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। आपने सही कहा, और मुझे विश्वास है सबके सपने पूरे होंगे। ऐसा होगा ना मधुसूदन? जरूर होगा साईं, मैं वादा करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी कुछ पैसे निवेश कीजिए। गोविंदा,
तुम द्वारका में ही जाओ, वहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनसे कहना मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। जी साईं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया साईं। लोग आपको कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे, तो कुछ पैसे निवेश कीजिए, कभी ना कभी काम आ जाएंगे। जो सुख पाया नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, कहे कबीर सुनो भाई साथो, साहिब मिले हैं सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छाई में निवेश करता हूं, मालिक दुगनी अच्छाई झोली में डाल देता है, लेकिन तुम बताओ मधुसूदन, तुमने क्या निवेश किया है? अच्छाई ही की है ना? कहीं बुराई, बेईमानी, नफरत तो नहीं की है ना? या फिर बदला लेने की भावना तो नहीं आई है ना मन में? जवाब मुझे नहीं, अपने अंतर्मन को दो मधुसूदन। एक बार आंखें बंद करो और देखो, तुम्हें वो नजर आएगा जो तुमने निवेश किया है। फिर आंखें खोलकर दोबारा बंद करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि उस निवेश के बदले में तुम क्या पाने वाले हो। कि चिता सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है। एक बार आंखें बंद करो और देखो, सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है।
वो साकोरी के रास्ते पर जो मैदान आता है वही जगह देखी अपनी फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री। उसे शिरडी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत जल्द दूर दूर तक लोग मेरी ही फैक्ट्री से स्टील खरीदेंगे। स्टील? स्टील मतलब इस्पात। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, और हम सबको भूल मत जाना। कैसी बात कर रही हो परी? इतनी कम उम्र में पैसे जमा करके मधु काका के साथ निवेश किए हैं, तुम्हारी इस मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। साई यही तो कहते हैं। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मधुकाका की मदद से हो रहा है। सच में वो बहुत दयालु हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना इतनी आसानी से हकीकत में बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ऐसा मौका मत गवाओ, अपने आई बाबा को एक बार और बोलो। हमारे आई बाबा नहीं मानेंगे गोविंदा, क्योंकि उनका मानना है कि उनका एक ही बैंक है जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निवेश कर दी है, सब जिसे प्यार से साईं कहते हैं। हमें जितना ब्याज जितना मूल मिलना है वही देंगे। और सच कहूँ तो मेरा भी यही मानना है, जो साईं कृपा से मिलेगा हम उसमें ही खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा। साईं अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे ये कहकर यहाँ भेजा था कि यहाँ उनका कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई मेहमान नहीं आए। मेहमान आए नहीं है तो आ जाएंगे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। जल्दी करो विमला, खीर बनने में समय तो लगता है ना। हमें साईं को बता देना चाहिए था कि हम खीर लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने खाना खा लिया तो पता नहीं ये खीर कैसे खाएंगे। आप भी ना, हम कोसों दूर धुलिया में थे, फिर भी साईं ने आपके जख्म को भाप लिया था। फिर क्या साईं मेरे मन की इच्छा को नहीं भाप पाएंगे? गौतम, गौतम तू ठीक है ना?
तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा। ठीक से देखने दे, कई बार पता नहीं चलता है। दिखा। पक्का तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? एक चिता के बदले इतनी सारी चिता। चिता? ये क्या बोल रहा है तू? हुआ क्या है तुझे? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो बताइए। सोच रहा हूं कि ये सब कुछ। अंदर आ सकती हूँ? दोष नहीं है, लेकिन इच्छा अगर लोभ में परिवर्तित हो जाए तो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि लोभ के मार्ग पर मनुष्य सही गलत की पहचान करने का विवेक खो बैठता है। अच्छे बुरे की सीमा रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। अचानक ये क्यों कह रहे हैं? प्रणाम साईं। लो गोविंदा, मेहमान आ गए। माई, खीर लाई हो ना? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जी साईं, खीर लेके आई हूं। ये काकी, हम खीर परोसने में आपकी मदद करते हैं। हाँ, आओ। आओ गोविंदा। ताराचंद जी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। यह गोविंदा शिरडी का बड़ा ही नेक और होनहार लड़का है। थोड़ा शैतान है, मगर गिर के खुद संभलना भी जानता है। और गोविंदा, ये है ताराचंद जी। इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो तुम। मैं समझा नहीं साईं, किस संदर्भ में कह रहे हैं आप? ताराचंद जी का बहुत बड़ा कारखाना है धुलिया में, इस्पात का। ये वो वाले ताराचंद जी है, यहाँ के सबसे बड़े स्टील के विक्रेता। सबसे बड़े का तो मुझे पता नहीं, लेकिन साईं की कृपा से धंधा ईमानदारी से करता हूँ। गोविंदा भी इस्पात का कारखाना लगाना चाहता है। मुझे यकीन है आपके मार्गदर्शन से ये बहुत कुछ सीख पाएगा। इसका समय और धन बहुत बच जाएगा।
तुम बताओ गोविंदा, क्या जानना चाहते हो तुम? मैंने तो बहुत कुछ सोचा है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ तो बहुत अच्छी बनी है। भगवान करे ऐसी मिठास हर इंसान के जीवन में घुल जाए। साई, ये गोविंदा तो बड़ा ही होनहार है। बेटा, इस काम में तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत पड़े बेझिझक मुझसे कहना। अब मेरी समझ में आया कि आपने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा। अब सबका भला ही सोचते हैं साईं। मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो है खुद का भला समझने से। आपकी योजना के बारे में पता चला मुझे। मुझे ये सारे पैसे 2 महीनों में दुगने करके चाहिए। सोच क्या रहा है बेटा, ले लो पैसे। तूने आज तक किसी को मदद के लिए मना किया है? कि चिता सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है। पूरे 10,000 रुपए, 2 महीनों में दुगने, मतलब 20,000 वापस चाहिए मुझे। यहाँ गरीब फर्नीचरों के 1,500 के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और बैठे बैठे 10,000 मिल गए। आप चिंता मत कीजिए, 2 महीने में पैसे दुगने, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे। शुक्रिया। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, कोई गड़बड़ मत करना। पता है ना, मैं इस गांव की मुखिया कुलकर्णी सरकार की बहू हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो जितना नुकसान मेरा होगा उससे कई ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। पैसे तो सरकार निकलवा ही लेंगे, पर तुम्हें जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। ताराचंद काका जैसे लोग रोज रोज नहीं मिलते हैं। साई का मुझे इनसे मिलाना जरूर इसी बात का संकेत है कि अगर मैं ताराचंद काका के साथ जुड़ गया तो सफलता के नए मुकाम हासिल कर लूंगा। आई के जितने जेवर लिए हैं
उनसे 10 गुना ज्यादा लौटा दूंगा। अब बस मधुसूदन काका के 2 गुने पैसे मिल जाए, फिर उन्नति ही उन्नति है। अल्लाह मालिक। मैं इस गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार की बहू हूं। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो जितना नुकसान मेरा होगा उससे कई ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। पैसे तो सरकार निकलवा ही लेंगे पर तुम्हें जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद पैसे देना। आसपास के कई गांव में लोगों को इस योजना से मुनाफा हुआ है, लेकिन एक बात है कि मैं बैंक में एक सीमा तक ही पैसे जमा कर सकता हूं। अगर किसी ने पैसे दे दिए तो बाद में मैं आपके पैसे नहीं ले पाऊंगा। मैं भी मेहनत की ही खाता हूं, इसलिए मेहनत के पैसों का मोल समझता हूं। पहले जांच परख लीजिए फिर आइए। इंतजार के चक्कर में ये मौका हाथ से ना निकल जाए, और अगर एक बार ससुर जी लौट आए तो घर से 1,000 रुपए भी निकाल के लाना मुश्किल हो जाएगा। विश्वास है, लेकिन विश्वास तोड़ने का अंजाम क्या होगा ये भी बता दिया। 2 महीने 20,000। विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब देखती हूँ कि गांव वाले कैसे करते हैं मेरी बराबरी। मैं हमेशा उनसे अमीर ही रहूंगी। करना लक्ष्मी मां, मैं भटक गया था, आपको लौटाने का विचार कर रहा था, लेकिन आपने अपना यह विराट स्वरूप दिखाकर मुझे फिर से अपना भक्त बना दिया। बेटा आज तो घर में पंच पकवान बनने चाहिए। आहा, क्यों नहीं आई? आज सब कुछ गौतम की पसंद का बनेगा, आखिर सब कुछ उसी का तो है। छोटी मालकिन, आपने पूरे 10,000 दे दिए। कोई रसीद वसीद ली है कि नहीं? ये बड़े लोगों के बीच की बातें हैं। शिरडी में पहली बार ऐसा कोई दिखा है जो खानदानी रईस लगता है, और ऐसे लोग ठग नहीं होते। 200 रुपए का झोपड़ा भी बिके तो उसके कागजात बनते हैं। 10,000 रुपए दे दिए, उसकी कोई रसीद भी नहीं। सरकार को पता चला तो कौन बताएगा? मेरा मतलब है छोटी मालकिन, देखिए ना, इसमें जोखिम है, कल को कोई गड़बड़ी होगी तो। कभी कोई शुभ बात भी निकलती है तुम्हारे इस मनुष्य मुंह से? खाली जुबान
ससुर जी से इतना मार खा के भी नहीं सुनते ना तुम। पूरे गांव ने पैसे निवेश किए हैं, वो सब पागल है और एक तुम सया ने। जितने हो उतने ही रहो, ज्यादा फूलने की कोशिश करोगे ना तो फट जाओगे। इस बार तो मैं ससुर जी को भी दिखा दूंगी कि पैसा कमाना सिर्फ उन्हें ही नहीं मुझे भी आता है, और उनसे बेहतर। चलते हैं साईं, राम जी भला करें। काका मैं भी उस तरफ जा रहा हूं, आपके साथ चलता हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई साहेब, आपकी छत्र छाया में रहना तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आपने मुझे यहां किसी काम से रोका है। बताइए ना साईं, क्या मेरा अंदेशा सच है? मैंने नहीं, राम जी ने रोका है एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए। कैसा काम साईं? समय आने पर पता चल जाएगा। शिरडी के लोग सो रहे हैं, एक बार मैंने उन्हें नींद से जगाने की कोशिश की थी, एक कोशिश आप भी करके देख लीजिए। अगर वाकई में जागने की इच्छा हुई तो जाग जाएंगे, वरना अल्लाह मालिक। उसको हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी योजना और तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि इस काम में पैसे का निवेश बहुत करना पड़ता है। तुम कर पाओगे? जी, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। निवेश के लिए पूंजी तैयार हो रही है। रुको, तैयार हो रहा है मतलब? हाँ काका, शिरडी में मेरे एक काका आए हैं, उनकी एक योजना है जिससे हर शिरडीवासी का भला हो रहा है। दो महीनों में मेरे पैसे दोगुने हो जाएंगे और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। क्या नाम बताया तुमने अपने काका का? मधुसूदन जी। अच्छा काका, अब मुझे इस तरफ जाना है, मैं चलता हूं। ठीक है। इसने जो बोला है वो कुछ सुना सुनाया लगता है। बस नाम का फर्क है, वो ओंकारेश्वर था। हो सकता है ये मधुसूदन सच्चा इंसान हो। आखिर गोविंदा ने कहा कि मधुसूदन उसके पिता को जानता है। जो भी हो, इसका पता तो लगाना ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ वो कई और मासूमों के साथ हो। साईं, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जब दिया जलता है तब चारों ओर प्रकाश फैलता है, और ये प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। इसलिए इस प्रकाश के फैलने में खुशी तो होनी ही चाहिए।
सपने में साईं भी आए। चिता सिर्फ इंसान की नहीं अपने सपनों की भी जलती है। मैं समझ गया हूं ये सब जरूर साईं की ही माया है, लेकिन मैं भी इसके झांसे में आने वाला नहीं। आई पद्मिनी। मधु क्या हुआ, सब ठीक है ना? आई मैंने एक फैसला लिया है। ये क्या कह रहा है तू? बस आई मैं अब किसी की कुछ नहीं सुनने वाला, ये मेरा आखिरी फैसला है। हे भगवान मैं इन्हें कैसे रोकूं? ये मधुसूदन जी कब तक आएंगे? आते ही होंगे। बात बताइए ये मधुसूदन जी हैं कौन? संत हैं संत, कोई लोभ नहीं, सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहते हैं। समझ लीजिए कि शिरडी के लिए फरिश्ता बन के आए हैं वो। अच्छा, अब तक उन्होंने कितने लोगों का पैसा दोगुना करके दिया है? अभी तो किसी को भी नहीं, पर 2 महीने पूरे होते ही मिलेंगे सबको। फिर आप लोगों को इतना यकीन कैसे है कि पैसे मिलेंगे ही? क्योंकि हमारे गांव वालों ने मधु बाहू के पिछले गांव वालों को यहां देखा है, वो अपनी दुगनी राशि लेने आए थे और मधु बाहू ने भी एक पल की भी देरी नहीं की, वो सब भगवान मानते हैं उनको। दूसरे गांव के लोग ऐसे तो मैंने भी देखा था ओमकारेश्वर के पास आते हुए, लेकिन सच कुछ और निकला था। और मधु बाहू ने भी बिल्कुल भी डरिए नहीं, मधु भाऊ इंसान के रूप में देवता है देवता, उनके होते हुए आपकी एक एक पाई सुरक्षित है। इन लोगों ने इस आदमी को लगभग भगवान बना दिया है, कहीं ये सचमुच भला इंसान तो नहीं? लेकिन ओमकारेश्वर के बारे में भी तो लोग ऐसा ही बोलते थे। एक बार मैं भी तो देखूं कौन है ये मधुसूदन, सारी बात साफ हो जाएगी। अच्छा है सभी आ गए। यहां क्या कर रहा है? कहीं से शक तो नहीं हो गया? जरूर इसने मेरी योजना किसी से सुन ली होगी और पहचान गया होगा। मैं किसी भी हालत में इसके सामने नहीं आ सकता।
हाँ काका। गोविंदा आज तुम पैसों का काम संभाल लोगे? गौतम की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना होगा, तुम पैसे लेके घर आ जाना। ठीक है। माफ करना, मैं तुम्हें खामखा में परेशान कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं काका, आप गौतम का ध्यान रखिए। बहुत जल्दी में दिख रहे हो मधुसूदन। जरूरी काम से जा रहा हूं साईं, देर हो रही है। जरूरी है सिर्फ सच को स्वीकार करना, उसका सामना करना, और ये तभी मुमकिन है जब तुम रामजी की मर्जी को अपनी मर्जी बना लो, खुद को उन्हें सौंप दो, दिशा मिल जाएगी। नहीं तो भटकते रहोगे। क्षमा कीजिए, देर हो रही है। राम जी भला करें। पाप का एक कण पुण्य की राशियों को खत्म कर देता है। तुम्हारा दान पुण्य करना अगर ये दूत है तो तुम्हारे आसपास हो रही बुराई नमक। साईं ठीक कह रहे हैं, जब तक मैं इनके पाप की भागीदार बनी रहूंगी मेरा कोई पुण्य गौतम को नहीं लगेगा। मुझे इन्हें रोकना होगा, और वो भी आज ही, क्योंकि अगर आज इन्हें नहीं रोका तो ये चक्र कभी नहीं रुक पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? थे वो फकीर और कैसे दिखते थे? उन्होंने सफेद कफनी पहन रखी थी, सफेद दाढ़ी और कंधे पे एक झोला था। साई, अब वो ही कुछ कर सकते हैं, इन्हें रोक सकते हैं। मुझे साई से मिलना ही होगा, उन्हें सब कुछ बताकर विनती करनी ही होगी कि वो किसी तरह इन्हें रोक ले। लेकिन अगर गौतम के बाबा को पता चल गया तो? पता नहीं क्यों, लेकिन आज इसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। एक अजीब सा डर लग रहा है, लेकिन इसकी भलाई के लिए मुझे जाना ही होगा। कहां रह गए ये? मधु काका के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए पैसे आज मैं जमा कर लूंगा। आप सब एक कतार में आइए। जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं, पहचानूंगा कैसे? इन लोगों को बचाऊंगा कैसे?
अरे परी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी पैसे निवेश करने आई हो? नहीं, मैं तो साई की मदद करने जा रही हूँ। साई की मदद? हाँ, आज सुबह ही साई ने मुझे द्वारका माई बुलाया था। साई, राम जी भला करें। साई, निराली ने कहा आपने बुलाया है, कुछ काम था? तुम मधुसूदन से मिली हो ना? हाँ, एक दो बार। शिरडी वासियों के भले के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो। भला तो वो जरूर करेगा। धन से कहीं ज्यादा कीमती चीज देकर जाएगा वो सबको। ऐसे इंसान के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। परी, तुम शिरडी की सबसे अच्छी चित्रकार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मधुसूदन का एक चित्र बनाओ और आज उसकी दुकान पे जाकर सब शिरडी वासियों की तरफ से उसे वो चित्र भेंट देना। यही मेरी मदद होगी। ठीक है साईं। क्या ये वही चित्र है? जी। मैं देख सकता हूँ? जी काका। ओमकारेश्वर।